हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर रामा एंड हिज टू सर्वेंट्स। सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर क्लास थर्ड। सो वेलकम टू द डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर विद्यापीठ। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में इस लेसन को समझ लिया है। अब हम इस लेसन की एक्सरसाइजेस को समझेंगे। सो फर्स्ट इज ग्लोसरी। ग्लोसरी मींस वर्ड मीनिंग। लेसन में आए हुए कुछ टफ वर्ड्स को हम यहाँ पर समझेंगे। सो फर्स्ट इज वॉटम। वॉटम मीन्स द लोएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का जो लोएस्ट पार्ट होता है, जो नीचे का भाग होता है, उसे हम कहते हैं बॉटम। सेकेंड इज किंगडम। किंगडम मीन्स अ कंट्री रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन। कोई भी कंट्री जो किसी किंग और क्वीन के द्वारा रूल की जाती है, उसे हम कहते हैं किंगडम। किंगडम मीन्स साम्राज्य। थर्ड इज ज्वेल। ज्वेल मीन्स अ प्रीसियस स्टोन सच एज डायमंड, रूबी एटसेट्रा। कोई भी प्रीसियस मीन्स कीमती स्टोन जैसे डायमंड, रूबी को हम कहते हैं ज्वेल। फोर्थ इज मिडनाइट। मिडनाइट क्या होता है? 12 o'clock एट नाइट। रात में 12 बजे के समय को हम कहते हैं मिडनाइट। फिफ्थ इज पोएट। पोएट मीन्स अ पर्सन हु राइट्स पोएम्स। कोई भी व्यक्ति जो पोएम्स राइट करता है, उसे कहते हैं पोएट। नेक्स्ट इज अस्लीप। स्लीप मीन्स सोना। सेवेंथ इज लाउड। लाउड मीन्स मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। बहुत ज़्यादा शोर को हम कहते हैं लाउड। रॉक्स। रॉक्स मीन्स अ पर्सन हु बिहेव्स बैडली बट इन अ हार्मलेस वे। कोई भी पर्सन जो बैडली बिहेव करता है बट बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए बिना, उसे हम कहते हैं रॉक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ट्रू फॉल्स। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें उनमें फाइंड करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सो फर्स्ट इज रामा वॉज अ पोएट। रामा एक पोइट था। ट्रू, यस, रामा पोइट था। सेकेंड इज रामास सर्वेंट्स वर फेथफुल। रामा के सर्वेंट्स फेथफुल थे? नो, इट्स फॉल्स, वो फेथफुल नहीं थे। थर्ड इज रामा एंड हिज वाइफ हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड। रामा और उसकी वाइफ के पास बहुत सारा सोना था। ट्रू मीन्स सही, उसके पास बहुत सारा सोना था। फोर्थ इज रामा एंड हिज वाइफ
dropped the box filled with jewels into the wells. Rama और उसकी वाइफ ने ज्वेल्स से भरा हुआ बॉक्स बेल में गिराया था। फॉल्स, ये रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने उस बॉक्स में ज्वेल्स नहीं बल्कि स्टोन्स भर दिए थे। नेक्स्ट इज The servants filled the bell with stones to take out the box. Servants ने box को बाहर लाने के लिए कुएं को stones से भर दिया था। It's false. उन्होंने ऐसा नहीं किया था बल्कि उन्होंने कुएं के पानी को बाहर निकाल दिया था। Sixth is Rama dug a channel for the water to flow to the trees and plants. Rama ने एक channel means खोदकर एक रास्ता बना दिया था किसके लिए, वाटर को निकलने के लिए, ताकि वो कहाँ बह सके, ट्रीज एंड प्लांट्स तक जा सके। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू। सेवेंथ इज रामा फॉरगिव हिज सर्वेंट्स। रामा ने सर्वेंट्स को माफ़ कर दिया था। इट्स फॉल्स, नहीं, उसने उन्हें भगा दिया था। एट इज रामा वॉज क्लेवर एंड द सर्वेंट्स वर रॉग्स। इट्स ट्रू, रामा कैसा था, होशियार और चालाक, और सर्वेंट्स कैसे थे, रॉग्स। Now it's time to question answer. So first question is, who was Rama? Rama kaun tha? Answer is, Rama was a poet. Rama ek poet tha. Second question is, where did Rama live? Rama kahan rehta tha? Answer is, Rama lived in Vijayanagar Kingdom. Rama Vijayanagar Rajya mein rehta tha. Question 3. Where did Rama's wife keep her jewels? Rama ki wife jewels ko kahan rakhti thi? Answer is, Rama's wife kept her jewels in a box. रामा की वाइफ ज्वेल्स को एक बॉक्स में रखती थी। फोर्थ इज व्हाट डिड द रामा पुट इन द बॉक्स। रामा ने बॉक्स में क्या रख दिया था। रामा पुट सम स्टोन्स इन द बॉक्स। रामा ने बॉक्स में कुछ स्टोन्स रख दिए थे। Fifth is, when did the servant go to the bedroom? तो जो servants थे वो Rama के bedroom में कब गए थे? The servants went to the bedroom at 11 o'clock at night. Servants बेडरूम में 11 o'clock रात को 11 बजे गए थे।
क्वेश्चन सिक्स इज व्हाट डिड रामा डू विद द बॉक्स, रामा ने बॉक्स के साथ क्या किया। रामा ड्रॉप्ड द बॉक्स इनटू द वेल, तो जो स्टोन से भरा हुआ बॉक्स था रामा ने उसको कुएं में डाल दिया। क्वेश्चन सेवेंथ इज व्हाट डिड द सर्वेंट डू देन, तो फिर जब रामा ने बॉक्स को कुएं में डाल दिया तब सर्वेंट्स ने क्या किया। द सर्वेंट्स बिगन टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, सर्वेंट्स थे जो उन्होंने वेल से वाटर को निकालना शुरू कर दिया। क्वेश्चन एट्थ इज व्हाट वर द सर्वेंट्स डूइंग एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सर्वेंट्स सुबह 6 बजे क्या कर रहे थे। द सर्वेंट्स वर स्टिल ड्रॉइंग वाटर एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सर्वेंट्स सुबह 6 बजे तक पानी कुएं से निकाल रहे थे। क्वेश्चन नाइन्थ रामा डिडंट वॉन्ट टू वेस्ट वाटर, व्हाट डिड ही डू, जो रामा था वो पानी को वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहता था इसलिए उसने क्या किया। रामा डिडंट वॉन्ट टू वेस्ट वाटर सो ही डग चैनल फॉर इट, रामा पानी को वेस्ट नहीं बहने देना चाहता था इसलिए उसने खोद कर एक रास्ता बनाया ताकि पानी बहकर निकल सके। क्वेश्चन टेंथ इज व्हाट डिड रामा से टू द सर्वेंट, रामा ने सर्वेंट से क्या कहा। रामा टोल्ड द सर्वेंट्स दैट देवर रॉग्स, रामा ने सर्वेंट्स को कहा कि वह रॉक्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।